Hello students, welcome to ICSE board class 10 physics numericals we are going to solve. So I have given the episode as numericals 8.1 because it is related to chapter 8, and chapter 8, if you remember, it is related to what? It is related to Ohm's law, resistance and electric current, which includes series and parallel circuit also, as well as EMF and internal resistance. So before we go into the numericals, let us see the formulas that has been applied. So here, these are the formulas that has been applied. W is equal to V into Q, or you can say V is equal to W upon Q. I is equal to Q upon T. Q is equal to N E electrons. I is equal to N E upon T. R is directly proportional to L, and R is inversely proportional to A. R is proportional to L upon A. R is equal to rho L upon A, where rho stands for specific resistance. V is equal to IR, that is Ohm's law. Let us see problem number 1. So first numerical, let me zoom in. मुझे zoom करने दो तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा. तो पहला question जो numerical है वो क्या है? Wire का एक wire दिया है, उसका resistance कितना है? 4.5, और उसकी length कितनी है? 150 cm. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 0.04 cm². और हमें क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो फॉर्मूला लगाने से पहले जो डेटा में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पहले लिख लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा. व्हाट इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? आपको लेंथ दी है वो लिखना है, रेजिस्टेंस दिया है वो लिखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है वो लिखना है, और क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो फाइंड करना है. इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो जैसे मैंने किया है वैसे ही आप करोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज इट इज अ सिस्टमिक मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द डेटा. सो दिस इज द गिवन पार्ट, दिस इज द पार्ट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी कम टू नो व्हाट क्वांटिटी वी आर फाइंडिंग. आफ्टरवर्ड्स वी विल अप्लाई दैट लॉ और दैट फॉर्मूला इन विच ऑल द क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड. सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. फिर उसके बाद हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज को और फिर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. तो हमें हमारा आंसर मिल गया है. चलो वो आपका पार्ट है, आपको जरा देखना है, कैलकुलेट करके आप जरा देख लो. मेरा काम है आपको समझाने का. अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी है तो मुझे जरा आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन. आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन आपको करना है. अ वायर ऑफ लेंथ 40 cm एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 mm हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ohms. चलो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या दिया है वो लिखना है, क्या फाइंड करना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क रखना है. चलो क्या दिया हुआ है? लेंथ दी है, एरिया दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, बराबर. और हम हमेशा रेजिस्टेंस किस में फाइंड करते हैं? ओम्स सेंटीमीटर में फाइंड करना है, बराबर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो है वो ओम सेंटीमीटर में आता है. ओके, एनीवे दैट यू विल कम टू नो इफ यू हैव सीन द थियरी ऑफ दिस चैप्टर, तो आपको पता चलेगा. तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? डेटा लिख दिया, मिलीमीटर मिलीमीटर था उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर है इसलिए दो बार मल्टीप्लाई करना है. फिर हमने इक्वेशन जो थी, फॉर्मूला थी, फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, उसमें रिप्लेस करवा दिया तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिल गया. तो ज़रा आप कैलकुलेशन कर लेना, बराबर. तो एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा ये आंसर गलत है लेकिन हमारा फॉर्मूला करेक्ट है और डेटा करेक्ट है, तो वो लोग अगर 2 mark का होगा तो 1 mark दे देंगे. अगर 2 mark का क्वेश्चन है तो 1 mark मिलेगा हाँ आपको. अगर लेकिन 3 mark का क्वेश्चन है तो 1 mark डेटा लिखने के लिए, 1 mark फॉर्मूला लिखने के लिए, और यहाँ पे अगर गलती की आपने सपोज, तो इसका मार्क जाएगा. यानी कि 3 में से 2 mark तो मिलते ही हैं फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू वर्क इट नाइसली. अगर आपने अच्छी तरह से सब कुछ लिखा है तो चलो लेट अस गो ऑन टू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 के अंदर क्या है? कंपैरिजन करनी है दो वायर के बीच में. कंपैरिजन है, आप देखो आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ ऑफ 75 cm इज 3.25 ohms, एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सिमिलर कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज 30.25 ohm. यानी कि दो वायर है उसके बारे में कंपैरिजन है. तो पहले जो दिया है वो हमारा L1 R1 होगा. तो 75 cm वो हमारा L1 है, 3.25 वो R1 है, क्योंकि उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है. दूसरे कंडक्टर के लिए हम लिखेंगे L2 R2. फिर हमने जो भी वैल्यूज है वो सब लिख दी. उसने पूछा कैलकुलेट द लेंथ, यानी कि L2 फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस कम होगा. सो यहाँ पर रेशियो लेना था R1 और R2 का, इसलिए हमने R1 इज इक्वल R1
अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, सबकी वैल्यूज को रिप्लेस किया और फिर हमने एल टू को फाइंड कर दिया. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड वन. अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.75 ओम. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर कंडक्टर ऑफ लेंथ 540 सेंटीमीटर. यानी कि लेंथ दी है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है. उसमें क्या था, रेजिस्टेंस दिया था, लेंथ फाइंड करना था प्रीवियस वाले में. यानी कि इसमें बराबर सेकंड में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू. आर टू फाइंड करना है, एल वन और आर वन तो दिया हुआ है क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटा में लिखा हुआ है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, जो आप अगर परफेक्शन लाना है तो आप जो भी क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया है, गिवन इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन दिया है, प्लीज़ राइट डाउन. अगर आप लिखोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे, मैथमेटिक्स थोड़ा आता होगा तो आप आराम से उसका आंसर फाइंड कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 3 marks. नो बडी इज़ गोइंग टू डेयर टू कट योर मार्क्स. ओके, तो हमने ये सॉल्व कर दिया. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3. नंबर 1, रेजिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम द जर्मन सिल्वर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 ओम. Calculate the resistance of another wire made from the same material, that is German silver only, such that the length increases by 4 times. तो उसका length increase हो गया 4 times and the area of cross section decrease by 3 times. उसका मतलब हुआ कि उसका area of cross section decrease हो गया 3 times. So let me zoom in so you can understand better. So here the resistance of the German silver wire is given as 4.25 ohm. So R is equal to 4.25. We know the formula R is equal to rho multiply by L upon A. Therefore, 4.25 is equal to rho L upon A. That is our equation number 1. Then, second wire के लिए हम लिखते हैं R1 is equal to question mark. L increases by 4 times. So, L is equal to 4L. And cross section decreases by 3 times. So, A is equal to A upon 3. Placing the values we get, R1 is equal to rho 4L upon A upon 3. 3 ऊपर जाएगा तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा. सो R1 इज इक्वल टू रो 12 मल्टीप्लाई बाई L अपॉन A बराबर, फिर डिवाइडिंग 2 by 1. तो R1 अपॉन 4.25 इज इक्वल टू रो 12 मल्टीप्लाई बाई L अपॉन A अपॉन रो L अपॉन A. नाउ L upon A cancel, rho and rho cancel. So what is remaining? R1 upon 4.25 is equal to 12. This 4.25 goes this side and multiplies with 12. And what you get? You get 51 ohms. So that is our resistance for the second wire, which is 51 ohm. Let us move on to the second number. That is nichrome wire of length L and the area of cross section is A by 4 has a resistance R. Another nichrome wire of length 3L and the area of cross section A by 2 has resistance of R1. Find the ratio of R1 is to R. So हमें R1 upon R देखना है. तो पहले लिख लें क्या क्या डेटा दिया है. So what is the thing is provided into the question that we'll write. L is equal to L, A is equal to A by 4 and R is equal to R. For the next one, L is equal to 3L, A is equal to A by 2 and R is equal to, we'll put R1. So now, we know the formula R is equal to rho L upon A, R1 is equal to rho L upon A. Now R1 upon R is equal to rho L upon A upon rho L upon A is equal to rho 3L upon A upon 2, 2 goes up, so it becomes 6L upon 2 and rho upon rho L upon A upon 4, 4 goes up, it becomes 4. Now L upon A cancel. Let me zoom in, you will come to know here. So what is happening in the calculation? So here, so these 2 goes up and these 4 goes up. So it becomes 6 and there become 4. L upon A cancel. So it is 6 upon 4. Rho and rho cancel because of it is of same material. So 6 upon 4 gives you what? 3 upon 2. So the ratio R1 is to R is equal to 3 is to. So this is how you do the sum. So first of all, you need to write the data, then write the formula, keep the values in the formula and find out the missing quantity. I hope you understood this sum. Thanks very much. If you have any doubts or any question, please let me know in the comment box. I'll see you in the next episode.